जैसे आपने अकबर के बारे में सुना होगा ना कि वो हरिद्वार से गंगा जल मंगवाता था अपने लिए पीने के लिए, वही समझिए कि कुमाऊं के चंद शासक भी कुछ उसी तरीके के थे, जो मिलम ग्लेशियर से आइस मंगाते थे अपने लिए, ठीक है ना। तो बर्फ की डाक वो है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम लोग जो हैं टेस्ट पेपर 9 की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आए हैं, और अगर आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग। सबसे पहले फल्गु तीर्थ किसे कहा जाता है, आई थिंक ये तो सबको ही मालूम होगा, है ना। तो क्या है आंसर इसका, आंसर क्या है जल्दी बताइए, रामेश्वर या सोमेश्वर, ठीक है। तो आंसर लिखिए इसका ऑप्शन बी, सोमेश्वर। नेक्स्ट है पुष्प भद्रा नदी कहाँ से निकलती है, क्या है आंसर, ठीक है लिखिए ऑप्शन नंबर बी, भीमताल। एक्चुअली देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर जो रिवर्स होती हैं वो ना निकल के एक वाटर स्ट्रीम को भी, जिसको हम जलधारा बोलते हैं ना, वाटर स्ट्रीम भी कहीं कहीं से निकल रही है, तो उसको ये क्या कर देते हैं एज अ रिवर जो है कंसीडर कर लेते हैं। आपने शायद कभी पुष्पभद्रा नदी के बारे में सुना ही नहीं होगा, पुष्पावती के बारे में सुना होगा, है ना, पुष्पभद्रा के बारे में सुना ही नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो एक छोटी सी जो वाटर स्ट्रीम होती है उसको भी कभी कभी जो है नाम तो नदी का दे दिया गया है, लेकिन वो वाटर स्ट्रीम होती है, छोटी सी जल धाराएं जिनको हम बोलते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका बताइए जरा ओनली साहब, आपको पता है उसमें जो है हर एक जो धीरे धीरे जो आगे के उनमें किंग थे वो सारे के सारे अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, वो सारे थे, बौद्ध भी थे, साहब भी थे और वैष्णव भी थे। पहली बात कत्यूरियों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप लोग कि कत्यूरी वंश एक ऐसा वंश है उत्तराखंड में जिसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है। ये वंश वो वंश है जिसका केवल हमारे पास गाथाएं हैं कुछ, या इनके बारे में जागरों से, जागर पता है ना उत्तराखंड में जागर क्या होता है ना, उनसे पता लगता है। इनका हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक कह सकते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, लाइक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, लिटरेरी फैक्ट जो भी होते हैं वो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट किस वंश, या जो क्वेश्चन 5 है उसका आंसर क्या है, कत्यूरी। जी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कत्यूरी वंश को ही जो है धर्मराज्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 छोड़ दिया है, हाँ ये बताइए जरा क्या थी उनकी जो बोलचाल की भाषा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हर समय, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग चीज़ होती है और एक जो हम कॉमनली यूज करते हैं एक दूसरे के साथ बात करने में वो अलग होती है। तो बताइए जरा ये बोलचाल की भाषा, मतलब जिसको सामान्य सभी लोग यूज करते थे, तो कौन सी थी, पाली। और उनकी ऑफिशियल क्या थी, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा संस्कृत, ऑफिशियल का मतलब है कि अगर उनके कोई जीओ आ रहे हैं, जीओ समझते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश, जिनको वो अभिलेख वगैरह कहते हैं। हालांकि इनके ऐसे मिले नहीं हैं, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है वो संस्कृत कही जाती है, बाकी पाली लैंग्वेज इनकी जो है वो वही समझिए जैसे अशोक के टाइम पे था, इस क्योंकि ये वाले जो टाइम पीरियड हैं ये एक साथ ही लगातार चल रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, तो जरा बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। सर इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो हमने परीक्षा वाणी में पढ़े हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये चंद वंश है, आपने देखा होगा कि एक तो सबसे बड़ा जो डाउट होता है चंद वंश में वो ये होता है कि फाउंडर कौन है इनका, संस्थापक जिसको हम बोलते हैं कि वो कौन है। दिक्कत ये है यहाँ पे कि अलग अलग जो ये इनकी जो ब्रांचेज निकली है ना, तो अलग अलग राइटर्स ने उनको क्या किया है, फाउंडर यहाँ पे माना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सोमचंद है इनिशिएट, ये जो चंद डायनेस्टी है इनिशिएट इसको ये करता है, और ये कब करता है, 700 में कर लेता है। उसके बाद हालांकि थोरचंद को ही आयोग ने भी आपका देखा होगा कि थोरचंद ने ही इसको आंसर माना है कि यहाँ पे क्या है कि सोमचंद वो सॉरी जो चंद वंश का जो शासक वो है, संस्थापक है वो थोरचंद। लेकिन थोरचंद चंद वंश के 23वीं पीढ़ी में आता है, ध्यान रखना 23rd जो उसकी जनरेशन होती है उसमें आता है। और दूसरी बात क्या है कि सोमचंद के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोमचंद को एक ऐसा किंग भी बोला जाता है कि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इसके हमें इतने सारे जो है कुछ एविडेंसेस मिले नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर लिखिए आप, 700 to 721 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 7 का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, ये तो बिल्कुल मतलब टफ क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, है ना, हाँ किसमें क्रिमिल, और कोई आंसर देना चाह रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विक्रमचंद। ओके बालेश्वर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र जानते हो आप लोग, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, शिलालेख क्या होता है, ताम्रपत्र क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। शिलालेख मतलब कुछ जो लिखा हुआ है वो पत्थरों पे लिखा हुआ है, ताम्रपत्र का मतलब कि जो
जीओ आया है, शासनादेश आया है या कुछ भी चीज़ें अगर उन्होंने की हैं तो वो किसी एक कॉपर से जो बनी एक सीट होती है उसमें लिखा हुआ है, तो उनको ताम्रपत्र बोला जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि आपको आंसर करना कैसे है। अब आप एलिमिनेशन मेथड भी तो फॉलो कर सकते हो ना। एलिमिनेशन मेथड नहीं समझते हो भाई, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो कि हाँ इससे नहीं है, तो जब मैंने एक ही दे रखा है इसका मतलब है कि आपको वही टिक करना होगा। अभी हम आगे प्रद्युम्न चंद के बारे में बात करेंगे ना, जो आप वो क्वेश्चन बात कर रहे थे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसका राइट आंसर करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। नेक्स्ट, अच्छा 10 क्वेश्चन है, ये पहले भी पढ़ा था आप लोगों ने। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की आपको पता है खासियत क्या क्या थी, क्या क्या खासियत थी? नहीं उटपटांग योजनाएं नहीं, आपने यही सुना है उसके बारे में। हालांकि वो सारी की सारी उसके जो है हमारे इतिहास में यही है, रुद्रचंद जो है ना कुमाऊं का सबसे ज्यादा विद्वान, ठीक है, और अच्छा शासक था, और यही जो है तुगलक भी था, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सैनिक कमांडर, ये सारे के सारे अगर देखे जाए ना गुण, ये उसमें थे। मोहम्मद बिन तुगलक की एक कमी थी, जल्दीबाजी में डिसीजन लेता था और कभी उसके कोई डिसीजन सही नहीं हुए, तो यहाँ पे इस बेस पे इसको माना गया, क्योंकि रुद्रचंद को भी कुमाऊं का या कह सकते हैं कि चंद वंश का जो है विद्वान शासक। हाँ हाँ बिल्कुल दे चुका है। हाँ तो आयोग भी तो बदलता रहता है अपने आंसर, कई 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 टाइम बदलता है। देखो अब अगर ऑप्शन हो गई नहीं और दोनों ऑप्शन होंगे तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपने बुक कौन सी ली है और वो कौन सी ऑथेंटिक बुक मानना है। पहली बात ये है, नहीं नहीं कुछ बुक्स हैं जो वो ऑथेंटिक मानते हैं कि हमें इन इन बुक से करना होगा, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन अगर आप उन क्वेश्चन पे वहाँ क्या करते हो, मान लीजिए क्लेम करते हो कि हाँ सर हमने ये पढ़ा था या ये चीज़ें थी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एविडेंस भी होने चाहिए उस चीज़ के, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से, समझ रहे हो। तो आंसर लिखिए इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुमाऊं में बर्फ की जो डाक है, बर्फ की डाक समझते हो आप लोग, ये किसने चलाई थी? ये पहली बार सुना है या पहले भी पढ़ा था कभी? पहली बार सुना। देखो बर्फ की डाक कुछ भी नहीं है, एक आदमी मिलम ग्लेशियर जाएगा, वहाँ से बर्फ उठाएगा और फिर लाएगा, तो आते आते तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो बर्फ कहाँ रहेगी फिर, तो वो ठंडा पानी ही रहेगा। डाक उस समय ऐसे चलती थी, जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर हमें एक क्विकली किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो है डिस्पैच करना है, तो उसके लिए क्या करते थे पुराने टाइम पे लोग, आज तो गाड़ियाँ हैं ना हमारे पास, या एरियल रूट से भेज देते हैं। उस समय ऐसा करते थे कि कुछ कुछ दूरी पे जो है घुड़सवारों को रख देते थे, यहाँ से ये फुल स्पीड में जाएगा दूसरे, जैसे वो रिले रेस होती है ना, रिले रेस देखी आप लोगों ने, बस उसी तरीके का समझ लीजिए इसको। तो ये बर्फ की डाक जो चलाई थी, ये चलाई थी लक्ष्मीचंद ने। चलिए नेक्स्ट, कुमाऊं में जजिया कर किसने वसूला था? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, और जजिया सबको पता है कि जजिया कर क्या होता है, गैर मुस्लिमों पे जो लगाया जाने वाला कर। चलिए रोहिलों का जो सेकंड अटैक हुआ था वो कब हुआ था? आपने तो फर्स्ट ही पढ़ा होगा कि फर्स्ट कब हुआ था, 43 में हुआ था, तो उसके जस्ट 2 साल बाद 45 में जो है सेकंड अटैक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रद्युम्न चंद ने कुमाऊं में कब से कब तक शासन किया? इसमें अगर आप ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड यूज करते ना तो ए आता, नहीं ए और बी में कहाँ डिफरेंस है, क्योंकि 1790 में तो कुमाऊं में चंद वंश की समाप्ति हो जाती है, और ध्यान रखना आप लोग कि इन 2 साल के अंदर अंदर चंद वंश के जो है 2 राजा वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। एक कौन सा होता है, एक तो है जो सबसे लास्ट महेंद्र चंद था इसमें, ठीक है, और एक दूसरा है, तो वो 2 राजा जो है 2 सालों में चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो आप वो सॉरी जो 4 ईयर्स का ये टाइम पीरियड होता है इसमें, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1776 से 1804 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो ये गढ़वाल का राजा बन जाता है ना। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे हम जो है इनको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चंद्रवंश का अंतिम शासक, मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, कौन सा, ये तो परीक्षा वाणी में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी महेंद्र चंद। ये कितने लोगों ने गलत किया, सही है सबका, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, चंद राजाओं के समय कितने किस्म के कर लगाए जाते थे? सुना होगा कि 36 रकम 32 कलम, और इनमें इतने सारे जो टैक्सेस हैं कि वो सारे दिए भी नहीं है और ना ही हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और लास्ट जो अभी हुआ था कोई एग्जाम उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था, और उसमें भी राइट आंसर क्या है, ठीक है, 36 है। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बस कुल पूछा है तो फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट आइए, चंद शासन में नगद दिया जाने वाला कर था, क्वेश्चन नंबर 16, सिर्थी, बिल्कुल राइट आंसर है, लिखिए ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, इस बेगार प्रथा आप सभी जानते हो कि बेगार क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, चंद शासन काल में बेगार प्रथा को क्या कहा जाता था? हाँ बिल्कुल ठीक है, खैण कहा जाता था या खैनी, जो भी है, खैनी नहीं, खैण केवल, ठीक है, खैनी या खैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चंद शासन काल में अच्छी तलाव भूमि से कितना कर लिया जाता था? अच्छी तलाव भूमि का मतलब ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, जहाँ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैक्सेस की जो रेट उस समय के किंग्स ने या उस समय के रूलर्स ने जो ये डिसाइड किया था, तो वो कैसे डिसाइड करते थे, वही प्रोडक्शन बेस पे। अब ये थोड़े ना है कि बहुत ऊपर आप हिमालय की तरफ आप खेती कर रहे हो और वहाँ से भी आपसे जो है बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, भाई वहाँ प्रोडक्टिविटी कहाँ है इतनी। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो हरिद्वार की ज़मीन में और एक ऊपर जो है पहाड़ों की तरफ ज़मीन, तो ज़मीन आसमान का फर्क है उसमें, उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके प्रोडक्शन में। तो अच्छी तलाव भूमि का मतलब है कि जहाँ पे बहुत अच्छी कृषि हो रही है और लो लैंड एरिया है वो, तो वहाँ पे टैक्स कितना इन्होंने इम्पोज किया था, 1/2। और 1/2 इसका मतलब है कि 50%, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 1/2 जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये दिल्ली सल्तनत में कौन लाता है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुमाऊं में पंचायती राज की नींव किस शासक ने डाली? सोमचंद। अछूतों तथा चमड़े पर लगने वाला कर क्या था? ये तो मेरे ख्याल से बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई बार पूछा भी गया है, मिझाड़ी, ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग कर हैं, जो टांड कर है वो किस में लगता है, बुनकरों पे लगता है, ठीक है, और उसी को ही इधर उधर करके थोड़ा वर्डिंग में, और तान कर, टन कर, और एक मिझाड़ी था, आप चाहते तो हाँ सारे के सारे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे टाइपिंग में, ये अजयपाल नहीं होना था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होना था कि पंवार द्वारा या पंवार वंश द्वारा श्रीनगर की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, ठीक है, राइट आंसर है 1358, ये ध्यान रखना, क्योंकि अजयपाल का तो वो कार्यकाल ही नहीं है ना, ये थोड़ा सा ये अजयपाल का कार्यकाल ही नहीं ना, 1358 में अजयपाल रहता ही कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 22, काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? गुड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, वामन गुफा कहाँ है? देवप्रयाग। शंख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? रुद्र महाल है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कश्मीरी हाट नामक स्थान गोपेश्वर, ठीक है, ये सारे के सारे उन बुक से हैं जो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको मुश्किल से मिलेंगी उसमें, परीक्षा वाणी में शायद ये सारी चीज़ें हैं भी नहीं, वो बड़ी जो बुक्स हैं उनमें ही हैं, ठीक है, वही है कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, यशवंत कठोच, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, और भी और अजय रावत भी पढ़ते हैं, अजय रावत भी पढ़ेंगे, ठीक है, अब कितनी पढ़े, यशवंत कठोच को भी मानता है, यशवंत कठोच, बहुत सारे जो डेटा है वो यशवंत कठोच के हैं, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन यशवंत कठोच को ज़्यादा देखना आप लोग कि पुराने टाइम जैसे जो आपके इससे एक दो साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें यशवंत कठोच का अगर रेफरेंस आप दे रहे हो ना, तो उसको वो मानता है आयोग, ये ध्यान रखना। तो मुझे ये बताओ कि उत्तराखंड के लिए ऑथेंटिक बुक है कौन सी फिर, ठीक है, तो ज़्यादातर जो ऑथेंटिसिटी आती है वो आती है एनसीईआरटी बुक से, ये ध्यान रखना, और एनसीईआरटी में उत्तराखंड के बारे में इतना कुछ है नहीं, अब वो अपने आप ही जो है कुछ भी बुक बोलेंगे, अपने आप उठा के कहीं से भी दे देंगे, तो आप ही बताओ कितनी बुक्स पढ़ सकते हो आप लोग उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, बहुत सारी बुक्स हैं, एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक, कितनी बुक पढ़ोगे आप लोग, और जितनी ज़्यादा पढ़ोगे कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, तो ये भी तो साथ साथ है दिक्कत। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद टिहरी रियासत में कब पधारे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा, तो कब आए ये, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन 1855। नेक्स्ट, देवप्रयाग अभिलेख का संबंध किस पंवार शासक से है, ये तो शायद पता होगा आप लोगों को, किससे है, जगतपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जगतपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंवार शासकों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसका केवल और केवल उसके कॉइन के बेस पे ही उसकी हिस्ट्री लिखी गई है, और वो कौन है, लसनदेव या लसनदेव, वो कौन से नंबर का राजा था, ठीक, 28, ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे ख्याल से 29 भी आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही अपने आप में, और ये कई बार आयोग ने भी दिया है इस आंसर को कभी। सरोला प्रथा जानते हो आप लोग, सरोला ब्राह्मण जानते हो क्या होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब शादी विवाह होते हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण्स और राजपूतों का गांव एक साथ है,
तो ब्राह्मिन्स जो है वो लोग फिर खाना नहीं खाएंगे ना अगर राजपूतों ने खाना बनाया, तो क्या करते हैं एक ऐसे ब्राह्मिन को ही बुला लेते हैं कि आप ही खाना बनाओ और फिर इन्हीं को देना, उनको सरोला बोलते हैं, उन ब्राह्मिन्स को सरोला बोला जाता है। तो ये सरोला प्रथा जो है अजयपाल ने स्टार्ट की थी, ठीक है। अजयपाल का तो बहुत मतलब अजयपाल जो है पंवारों की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यूली पाथा उसी से रिलेटेड है, पूरे के पूरे ये 52 गढ़ों को एक साथ लाना वो भी उसी से है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आगे की, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, अजयपाल द्वारा देवलगढ़ में राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी, क्वेश्चन नंबर 30। आंसर क्या है इसका, लिखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1493 to 1494। क्वेश्चन नंबर 31, देवलगढ़ राजधानी कब स्थानांतरित किए थे, तो ये सी ऑप्शन आप इसको टिक करिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 31, नजावत खान द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण कब किया गया था, ये तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये उसी समय की घटना है, रानी कर्णावती के टाइम की घटना। तो रानी कर्णावती पे ही ये जो है किसका वो था, ये कमांडर था ये शाहजहां का ना। तो आयोग ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि शाहजहां ने जो है कर्णावती पे कब अटैक किया था, और उसका सीधा सीधा टाइम पूछा था, तो 1635 में। एक्चुअली शाहजहां खुद तो आया नहीं था यहाँ, शाहजहां क्या करेगा यहाँ के, है ना। तो उसका जो है कौन आया था, जो ये नवाजत खान उसका सेनापति था, तो 1635। नेक्स्ट, नवाजत खान ने जो गढ़वाल पे आक्रमण किया ना, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसकी जानकारी हमें बादशाहनामा से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। महीपति शाह द्वारा सुलेमान सिकोह को कब शरण दी गई, हम्म, 1658 में, ये मिस प्रिंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्ण तुलादान, पहले तो ये बताइए स्वर्ण तुलादान समझते हो आप लोग क्या होता है, एक तरफ राजा को रखना है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है सोना तोलना है कि उसी के वेट का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बहुत करते थे पहले टाइम पे जो राजा लोग जो हैं, ये बहुत करते थे। तो ये किसने किया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीपति शाह। फतेहपति शाह किसके संरक्षण में रहा, यस वेरी गुड, ठीक है, रानी कटौची जो है इनकी संरक्षिका थी, ठीक है। नेक्स्ट, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस गढ़वाल शासक के साथ युद्ध किया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यस ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फतेहपति शाह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फतेहपति शाह की मुद्रा का आकार क्या था, मुद्रा के आकार आपको पता है, आजकल जो कॉइन आते हैं वो किस शेप में आते हैं, ठीक है, राउंड शेप में आते हैं ना, या सर्कुलर आप बोल सकते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग से ही कॉइन जो है राउंड नहीं बने थे। आपने अगर 600 BC के आसपास की अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, पंचमार्क कॉइन, आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, तो उनका कोई जो है स्पेसिफिक शेप नहीं होता था, बस किसी भी राजा की एक जो है उन पे स्टाम्प होती थी या कुछ अपना जो है वो सिंबल बना देते थे। ये धीरे 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 जो है चेंज हुआ है। तो वहीं अगर आपने पुराने अगर 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के भी देखे होंगे ना, तो उनका भी जो शेप होता था वो राउंड नहीं होता था, कोई कोई उनमें हल्के से उसमें भी दिखाई देते थे, जैसे रेक्टेंगुलर, सॉरी उसमें स्क्वायर शेप में भी दिखते थे या रेक्टेंगुलर शेप में भी वो दिखते थे, ठीक है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्टकोणीय, ऑक्टागनल। नेक्स्ट, कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल का राजा कौन था, चलिए ऑप्शन नंबर बी प्रदीप शाह। गढ़वाल कुमाऊं इतिहास में किसके खिलाफ दोनों ने संयुक्त रूप से युद्ध किया, हालांकि आप देखते हैं कि दोनों में राइवलरी बहुत रही है, एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुमाऊं और चंदों का और परमारों का हर समय जो है लड़ाई ही चलती रहती थी, लेकिन जब इन पे कोई तीसरा अटैक करने आया तो ये दोनों जो है क्या हो गए थे, कंबाइंड हो गए थे। तो किसने इन पे अटैक किया था, ठीक है, तो रोहिलों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, कंबाइंडली अटैक किया था। ये 40 पे भी आप कुछ बोल रहे थे कि प्रदीप शाह की कितनी रानियां सती होने गई, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कपरौली, बैटल ऑफ कपरौली ये कहां हुआ था, तो ये श्रीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जोशियाड़ी कांड, ये तो आप सब जानते ही होंगे, जोशियाड़ी कांड ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है, हर्षदेव जोशी, जिसको कुमाऊं का क्या बोला जाता है, विभीषण भी बोला जाता है। तो वहीं इन्होंने जो है सारा का सारा ये एक प्लानिंग बना के और गढ़वाल पे जो है लूट खसोट की थी, तो उसी को जो है क्या बोला जाता है, जोशियाड़ी कांड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल लूट खसोट से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दून पर मराठों की लूट कब हुई, यानी कि मराठों ने दून को कब लूटा था, ये लोग आते थे किसी भी जगह पर, वहाँ से उनका जो है लूट के ले जाते थे
रूल नहीं करते थे, इनका एक सिंपल सा वो था कि रूल की हमें रूल नहीं करना है, बस वहाँ से क्या है कुछ भी चीज़ें लेके उठा के चले जाओ और बात कर लो। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए 1800 to 1801। ओके चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 44 भी आपको पता ही होगा फिर। सेम मुखिम ताम्रपत्र का संबंध किस परमार शासक से है? किससे? नहीं, प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो ये प्रद्युमन शाह से है, ये मेरे गांव से है, ये उस मंदिर में मिला है, ये मंदिर मेरे गांव में है, सेम मुखिम मंदिर। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि सेम मुखिम मंदिर कहाँ है, तो ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये वहाँ से उनका एक ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो नहीं बोले, अच्छा इसीलिए क्वेश्चन डाला कि आपके गांव से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब जब सेम मुखिम मंदिर के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है अगली बार ताम्रपत्र के बारे में पूछ ले, तो थोड़ा सा आपको जो है आगे का भी ये सोचना होगा इसमें, ठीक है, केवल उन्हीं क्वेश्चन में नहीं रहना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 45 है, कुमाऊं का विभीषण किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को जो है पहले ही बता दिया है कि हर्षदेव जोशी को कहा जाता था। इसी हर्षदेव जोशी ने तो प्रद्युमन शाह को बोला था ना कि भैया यहाँ के आप जो है किंग बन जाओ, ठीक है, और यही हर्षदेव जोशी है जो गोरखाओं को बोलता है कि अटैक करो, समझ रहे हो, तो इसी वजह से इसको विभीषण बोला जाता है, ठीक है। किस शासक के समय गोरखा आक्रमण हुआ था, कहाँ? कुमाऊं में, क्योंकि ऑप्शन तो कुमाऊं वाले ही हैं, तो किस शासक के समय हुआ था? अरे भाई अंतिम शासक वही था 1790 में, महेंद्रचंद था, तो इसी के टाइम पे हुआ होगा। 1790 में ही तो चंद्रवंश को जो है एंड हो जाता है, अब इसके बाद तो वहाँ क्या चलता है, गोरखा इंटरजनम चलता है, गोरख्याणी जिसको बोलते हैं वो चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंड रूलर हर समय याद रखना है, कि किसी भी डायनेस्टी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गोरखा शासन में परगनों का शासन किसके हाथ में होता था? क्या आंसर किया आप लोगों ने? फौजदार, बिल्कुल सही है, फौजदार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गोरखा कालीन अनेक प्रकार की चुंगियां क्या कहलाती थी? वेरी गुड, सायर, सायर इज राइट आंसर। गोरखा कालीन कर जिसे कानून गो कर भी कहा जाता था, नहीं आसमानी फरमानी वो अलग थे, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अधनी। इसमें वही है कि आप लोगों को ना एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना चाहिए, मिझाड़ी और सलामी मेरे ख्याल से सबको पता है कि ये क्या है, ये हो ही नहीं सकता है, बस ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो उसमें भी बस यहीं पे है कि इसी में आप लोगों को देखो कर जो है दुनिया भर के हैं, जब हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन पे बात करेंगे, अभी तो इन पे हम कुछ भी बात इतना नहीं यहाँ पे डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किसने उल्लेख किया है कि गोरखाओं के समय में न्याय अग्नि परीक्षा से होता था? अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो ये अग्नि परीक्षा से होता था जो न्याय, इसको कहते क्या थे एक टर्म में? गोला दिव्य बोलते थे, गोला दीप वो होता था जिसमें जो है लोहे की जो गरम रॉड जो है हाथ में लेके और फिर चलना होता था, वो गोला दीप होता था। जो अग्नि परीक्षा होती थी, अग्नि परीक्षा को दिव्य बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका वर्णन किस किस लोगों ने किया, ये किसने किया है? ऑप्शन क्या क्या है? ट्रेल, पांडे, ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव, क्या लगता है आपको क्या होगा? ठीक है, दोनों ने ही कर रखा है इसका वर्णन, ठीक है, क्या हाँ क्यों दे नहीं सकते हैं क्या? डिफरेंस क्यों होगा भाई, जब अग्नि परीक्षा होती थी तो डिफरेंस क्यों होगा? हाँ अरे भाई, तो अग्नि परीक्षा को अंग्रेज ने अपने हिसाब से अंग्रेजी में बोला होगा, और मेनली हमारे पास क्या है ना, हमारे पास जो, सुनो मेरी बात, जो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेज हैं वो हमारे पास ज़्यादा वही तो है जो अंग्रेजों ने लिखे हैं, उन्हीं के तो हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो हमारे वाले कितने हिस्टोरियन ऐसे हुए हैं जिन्होंने वहाँ जाके रिसर्च किए, कुछ हैं जो नए टाइम के हैं जिन्होंने रिसर्च किए, बाकी तो बहुत सारे ऐसे ही हैं जिन्होंने केवल उन पुरानी बुक से, अंग्रेजों की बुक से पढ़ पढ़ के और उसी को यहाँ जो है कॉपी पेस्ट बस, ठीक है। आगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कैनी क्या है? ये कैनी आपको पता है क्या होते थे? हाँ नहीं, ये एक्चुअली क्या होते थे कि मान लीजिए किसी को सजा मिली हुई है और वो जेल में बंद है, और अगर राजा उनको क्या करता है कि अगर उनको अपना सेवक बना लेता है, क्योंकि जेल तो उसको हो ही रखी है, ठीक है, अब वो कहीं बाहर तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ जेल में भी तो उनको खाना खिलाना ही पड़ेगा, तो राजा लोग उस समय क्या करते थे कि इनको अपना जो है सेवक बना लेते थे। तो जो ऐसे कैदी होते थे जो राजा की सेवा में लगते थे उनको कैनी बोला जाता था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, राजसेवक। क्वेश्चन नंबर 52, गोरखा शासन काल में अग्रहार को क्या कहा जाता था? अच्छा पहले तो ये बताइए कि अग्रहार होता क्या है,
अग्रहार का आपने जो है जो हमारी मेन हिस्ट्री होती है उसमें भी आप लोगों ने अग्रहार वर्ड पढ़ा होगा कि अग्रहार का जो है जो ब्राह्मिन्स को जो है भूमि में भूमि दी जाती थी दान, उसको जो है अग्रहार बोला जाता था। तो यहाँ जो उसका आंसर है, यहाँ उसको गूंठ बोला जाता था। यही वर्ड जो है आप परमार वंश में भी देखोगे, परमार वंश में भी इसको गूंठ ही बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है, छत्रप्रासाद शैली का जो मंदिर है, ठीक है, अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है वो, उसका जो जीर्णोद्धार करवाया वो गोरखाओं ने करवाया, ठीक है, लिखिए गोरखाओं ने। नेक्स्ट, खलंगा युद्ध में नेपाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वेरी गुड, ठीक है, खलंगा कहाँ है? देहरादून में है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बलभद्र शाह, ये किसका भतीजा था? ये अमर सिंह थापा का शायद ये भतीजा था, ठीक है, अमर, हाँ, उनका ये भतीजा था, ठीक है, बलभद्र, तो ये वहाँ से जो है लीड कर रहा था। गणनाथ डांडा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? गोरखा के मध्य, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वैसे मालवगढ़ नहीं है, मालवगढ़ है, ये तो आप जानते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये कब हुई थी? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 15 मई 1815। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 में वो जेल लिखा हुआ था, एक्चुअली वो जेल नहीं था, वो ट्रेल था, ठीक है, वो जो ट्रेल आया है, इसको कब सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था, एडिशनल कमिश्नर? क्योंकि वो जो कमिश्नर बन के आया था वो कौन आया था सबसे पहला? और गार्डनर के साथ ही वो भी आया था, ट्रेल भी आया था, तो ट्रेल को कब यहाँ नियुक्त किया गया था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जुलाई 1815। गढ़वाल में भूमि प्रबंधन से संबंधित कमिश्नर नहीं है, वेरी गुड, ये ट्रेल, बैकेट, बैटन, ये तीनों ही हैं। एलिमिनेशन मेथड भी कुछ होता है, आप चाहते तो, मतलब जरूरी नहीं है ना, मेरे ख्याल से किसी को भी ये ऐसा बाय हार्ट याद नहीं होगा कि हाँ बिंडम नहीं था, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तीन ऐसे दे रखे हैं कि सबको पता है कि इन तीनों ने जो है गढ़वाल में क्या किया है, भूमि बंदोबस्त किया है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बैटन द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त कितने वर्षों तक का था, या कितने, ओ सॉरी, पहले इससे पहले 59 जो क्वेश्चन है, मैदान एवं पहाड़ों की सीमा निर्धारित करने वाला कमिश्नर कौन था? ये ट्रेल ही था, ठीक है, ट्रेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बैटन द्वारा किया गया भूमि प्रबंधन कितने वर्षों के लिए था? 20 वर्षों के लिए, 20 इयर्स। नेक्स्ट, किस धार्मिक ग्रंथ में बुग्यालों को नील सादल कहा गया है? अब ये तो एंशियंट से ही है ना, आप बोल रहे थे कि एंशियंट से नहीं है, ये भी तो एंशियंट से ही है, एंशियंट मतलब प्राचीन, प्राचीन भारत, किस में कहा गया है बताइए जरा, ठीक है, लिखिए इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में इनको नील श्वादल बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, गढ़वाल में मूर्तिकला का केंद्र किस स्थान को माना जाता था? श्रीनगर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नरेंद्र नगर में राजभवन की स्थापना कब हुई? वहाँ से तो आप लोग बिलोंग भी करते हैं कुछ शायद, है कोई कि कब की थी राजभवन? 25 में तो राजधानी स्थानांतरित की थी, 1924, ठीक है, ऑप्शन, वहाँ राजधानी ले आते हैं ना, टीरी से यहाँ राजधानी ले आते हैं, ठीक है, हाँ राजधानी ले आते हैं वहाँ से, हाँ ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट, भीमगदा कहाँ है? तो कहाँ है भीमगदा? ठीक है, भीमगदा है ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर, ठीक है, भीमगदा ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर, ये एक्चुअली किलों के जो ऊपर का जो वो पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं भीमगदा बोला जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रजत स्थाली लेख का संबंध किससे है? रजत स्थाली लेख का संबंध है प्रद्युम्न शाह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रजत स्थाली लेख, ठीक है, इनको आगे देख लेंगे अभी। शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कीर्ति शाह। पंवारकालीन राजधानी में कितने पुस्तकालय पाए गए? 2 या 3, इसी में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, तो लिखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। यही तो है, शारदा है और फिर एक प्रताप शाह के नाम पे भी हैं, इस तरीके से वो तीन मिले थे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, शांति रक्षा अधिनियम, ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, क्या दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन में? ठीक है, ये देखो
ये जो टाइम पीरियड है 46 से लेके और 49 के बीच में कौन रहा था किंग? लास्ट किंग था वो परमार डायनेस्टी का, ठीक है। उसके बाद जो है टियरी रियासत का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस बीच में ना दुनिया भर के यहाँ पे जो है क्या हो रहे थे, दंगे फसाद कई सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन सब से जो है बचने के लिए ये यहाँ पे जो है शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था 28 अप्रैल 1949। नेक्स्ट सावणी शेर घी कर जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसके द्वारा खत्म किया गया? ये नरेंद्र शाह ने खत्म किया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज में कब परिवर्तित किया गया? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 1940 में, ठीक है। अब अगर आपको किंग का अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड पता हो ना, तो ये किसके टाइम पीरियड पे आ रहा है। अब जरूरी नहीं है ना कि ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, तो टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो ये किसने किया होगा फिर जरा बताना मुझे, नरेंद्र शाह ने, क्योंकि वो उसी के ऋण का टाइम है वो, ठीक है। टिहरी नरेश द्वारा BHU को 1 लाख की राशि प्रदान की गई, तो किसने की थी? और ध्यान रखना BHU में इनके नाम पे एक केमिस्ट्री लैब है, ये ध्यान रखना, उसको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से कि BHU, ठीक है, तो वहाँ पे इनके नाम से एक जो है केमिस्ट्री लैब भी है, ठीक है। टिहरी राज्य में प्रथम जन नरेंद्र शाह टिहरी राज्य में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये तो कोई मतलब डाउट तो होगा नहीं इसमें आप लोगों को, तो लिखिए 1921, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई थी? 1923, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भू व्यवस्था डोरी पैमाइश, भू व्यवस्था जो डोरी पैमाइश थी, एक हुई थी जूला पैमाइश, वो प्रताप शाह ने की थी, और ये थी डोरी पैमाइश, ठीक है। तो ये डोरी पैमाइश जो की थी ये, अरे एक रस्सी उन्होंने एक वो बना दी थी ना कि हाँ ये जो है क्या है, ऑथेंटिक है। जैसे आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मीजरमेंट के लिए, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो मीटर है ना, उसी मीटर को, अरे वो जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी फिजिक्स में, उसमें मीटर भी तो एक आती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस की है वही समझ लीजिए इसको, कि उस समय इन्होंने एक रस्सी बना दी थी, एक डोरी बना दी थी, जिसमें कि क्या था कि इसी को ऑथेंटिक मानना है, तो इसी को ही डोरी पैमाइश कहा गया है। टिहरी में पंचायतों की स्थापना, क्योंकि BDO VPDO का एग्जाम देने आप जा रहे हैं, तो पंचायत से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकली हो, पॉलिटी में हो, कहीं पे भी आपको अगर मिलता है, और करंट में उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो एक्ट हैं उसमें क्या क्या जो है चेंजमेंट हुए हैं, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस करते रहिए। पंचायत से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि VPDO ही मेन फोकस कर रखा है सभी लोगों ने, तो इसका मतलब क्योंकि काम ही पंचायत में करना है, तो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो पता हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका सही आंसर है नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह ने पंचायतों की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन नंबर 76, बरा बेगार जो थी ये कुपर था कहाँ थी? ये सकलाना में थी, अपने आप में ये बेगार ही थी, बस नाम है उसका, ये अपने आप में ये बेगार ही है। कीर्ति शाह को KCSI की उपाधि कब दी गई? तो पहले तो आप लोग थोड़ा KCSI की जो है फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिखिए नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइट, KNIGHT वाला लिखना, ठीक है, नाइट राइडर वाला, नाइट नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये KCS की जो KCSI की जो उपाधि दी गई थी इनको, ये दी गई थी 1903 में। नेक्स्ट, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर डी कीर्ति शाह, ठीक है। 77 क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर सी है ना राइट आंसर, 1903, ऑप्शन नंबर सी 1903। लिखिए नेक्स्ट, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कीर्ति शाह। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 79 है, मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को, ये बेडवार्थ क्या होती है, सुना है कभी? नहीं सुना है तो घर वालों से पूछ लेना, दादी दादी। हाँ हाँ, है तो एक कुपर था, लेकिन होता क्या था इसमें बेडवार्थ में? बेडवार्थ में ये एक ऐसी कुपर था थी कि इसमें जो मतलब लोअर कास्ट के जो लोग होते थे ना गांव में, उनको कि कुछ ऐसा किया जाता था कि एक जो पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ से रस्सी बांध के और आगे पूरा जो है कहीं खेतों में उसको अच्छे से गाड़ देना था, और फिर उनको एक जो वो बैठने की नहीं होती है चौकी हम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बिठाना था, और उससे वो जो है वो आगे जो है वो वहाँ तक आता था, तो इसमें उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। ये अपने इंटरटेनमेंट के लिए कि वहाँ से और पूरा यहाँ तक आना है इंटरटेनमेंट के लिए, तो इंटरटेनमेंट में किसी की जान भी जाती थी, तो ये एक कुपरता थी अपने आप में, इसको काफ़ी पहले बंद कर दिया गया था, ठीक है। बेडवार, अरे टिहरी में थी भाई ये, हाँ ये हाँ परमारों में थी ये, ठीक है, मतलब परमार टाइम पे थी ये। हिबेट ब्रिज कहाँ है? ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है कहाँ है हिबेट ब्रिज, किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, यमुना रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं में दास प्रथा का उन्मूलन किस कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान होता है?
ये तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गोयन, या गोलन भी अगर कहीं पे आएगा तो कंफ्यूज मत होना, गोयन गोलन एक ही है वो। नेक्स्ट, हेनरी रैमजे का कार्यकाल क्या था? ठीक है, 1856 to 1884, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इसमें कुछ ऐसे हैं कि निकल सकते थे बाहर, है ना, एलिमिनेशन से, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एच जी रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी किसके कार्यकाल में बनी? ये शायद बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी टाइम, ठीक है, पी विंडम, पर्सी विंडम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जेसी एक्टन के समय की प्रमुख घटना है, कौन सी घटना है? कुमाऊं, क्या बोलते हैं उसको, बारडोली है ना, कुमाऊं उत्तराखंड का बारडोली उसको बोला जाता है, तो सल्ट की घटना अल्मोड़ा में जो हुई थी ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुमाऊं का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं, इसका राइट आंसर है बैटन, ये ध्यान रखना, ये एक स्टेटमेंट है अपने आप में, ये मतलब किसी राइटर की स्टेटमेंट है, तो कुमाऊं कमिश्नर बैटन जो था उसके टाइम पीरियड को ही गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं बोला गया है, ठीक है। देखो, हेनरी रैमजे बहुत लोकप्रिय था लेकिन उसके टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड नहीं बोला गया, ये ध्यान रखना। कुमाऊं, हाँ वही है मेनली, ठीक है, अलग अलग कोई नहीं है, वही है वो। नेक्स्ट, कुमाऊं में प्रथम एजेंट गवर्नर, अरे ये कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, ई गार्डनर ही है वो, गवर्नर जिसको बनाया गया था वही है वो, ठीक है, बस उसका नाम एजेंट गवर्नर रखा है। कुमाऊं में किसने गौवध की आज्ञा दी थी? ट्रेल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुमाऊं कमिश्नर जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लुसिंगटन। कुमाऊं में चोरी डकैती बंद करवाने वाला व्यक्ति, ट्रेल ही था, ट्रेल नहीं करवाई थी यहाँ चोरी डकैती जो भी है। चलिए जरा ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, जो 91 है क्वेश्चन नंबर, भगवान बुद्ध के केस व नख किस स्थल के स्तूप में संरक्षित है? काशीपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना कि काशीपुर में इनका एक स्तूप है, उसमें पूछा जा सकता है कि उस स्तूप में क्या है। स्तूप जो एक्चुअली बने हुए हैं, स्तूप तो आपने जो है हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये जब गौतम बुद्ध जी की जो है मृत्यु होती है तो उस समय जो है इंडिया में जो राजा लोग थे ना उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि इनको दफनाएगा कौन, तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उनकी बॉडी को जो है अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो जहाँ जहाँ इनकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं रखे हुए हैं उन्हीं को ही स्तूपास बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, नख मतलब नाखून, केस मतलब बाल, ठीक है। कालसी शिलालेख का पता कब चलता है? इसका आंसर है 1960, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1860 तो नहीं, 1960, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 93, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था या कब हुआ था उसका निर्माण? कत्यूरी, ठीक है, लिखिए इसका सही आंसर, लिखिए ऑप्शन नंबर सी, 12 and 13 AD परमार। नहीं भाई, ये जो रघुनाथ मंदिर है ना, मंदिर का निर्माण ये इन्होंने करवाया है परमारों ने, ठीक है, शंकराचार्य ने कहाँ करवाया है? तो नहीं, इसका जो है आंसर आपका जो है यही है, ऑप्शन नंबर सी, जो परमारों ने ही इनको करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 94 क्वेश्चन है, बैजनाथ कत्यूरी घाटी में कितने वंशों ने शासन किया है? जो कत्यूरी जो घाटी है बैजनाथ में, वहाँ पे कितने वंशों ने शासन किया है? तो जरा लिखिए, इसमें जो है 3 वंशों ने शासन किया है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो उसमें तौलीहाट, बैजनाथ और कोट, ये 3 वंश जो इनकी अलग अलग जो है विंग्स हुई हैं, उन्होंने यहाँ पे शासन किया है। नेक्स्ट लिखिए, द्वाराहाट के देवालयों को किसने तोड़ा था या ध्वंस किया था? द्वाराहाट वो अल्मोड़ा जो द्वाराहाट है, किसने तोड़ा था उनको, मतलब किसने उनको ध्वंस किया था, कौन आए थे और जो यहाँ जो है लूट मार करके चले गए थे? रोहिलों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये वैसे कोटोलगढ़ होना था इसको, ये कोटेलगढ़ यहाँ पे किया हुआ है। कोटोलगढ़ किस गढ़ का प्राचीन नाम है, या मतलब किस किले का प्राचीन नाम है? ये है ऑप्शन नंबर ए, राजबुंगा, राजबुंगा का प्राचीन नाम है कोटोलगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
कसार देवी अल्मोड़ा लेख किस लिपि में लिखा गया है? अगर आप थोड़ा सा इसको एलिमिनेशन मेथड से करते तो शायद कर सकते थे इसमें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अरेमाइक लिपि तो उत्तराखंड में कहीं यूज ही नहीं हुई क्योंकि ये बाहर की लिपि है। दूसरी है देवनागरी, देवनागरी का अभी इतना जो है कहीं पे डेवलपमेंट होता ही नहीं है जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। बचती है खरोष्टी और ब्राह्मी, तो बस इन्हीं दो में था, तो ब्राह्मी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, किस राजमाता का राजभवन नवादा के निकट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 98 कर्णावती, ठीक है, नवादा देहरादून में जो है वहाँ उनका क्या है राजमाता का राजभवन है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 99, टिहरी में सर्वप्रथम विद्युत कब पहुँचाई गई? टिहरी जो मेन टिहरी राजधानी थी जो आज वाटर समर्ज हो चुकी है वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लिखिए 1903, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100, न्यू कैसल तथा शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? न्यू कैसल तथा शीश महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कीर्तिशाह होना चाहिए क्योंकि आपने किया हुआ है तब बताओ भाई, इसका आंसर पर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह, ये न्यू कैसल मतलब नया किला और शीश महल जो ये है ये यहाँ पे जो है ये आप लोगों को इसमें अपने जो है आंसर जो है क्या कर लेने हैं मैच कर लेने हैं। उसके बाद जो है आगे अगर जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आगे के सेशन में आपको जो है क्लियर करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले सकूं वहाँ से। ठीक है, ये आपके जो है आगे लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसमें जहाँ पे आपको कोई डाउट है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है तो उस पर भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।